नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताजा और बड़ी खबरों की। 200 दिन पूरे होने पर शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट, बोले हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, इसे धर्म से भी ना जोड़ा जाए। केरल में आरएसएस की 3 दिन की बैठक की हुई शुरुआत, लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। एक बार फिर पतंजलि के मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का किया गया दावा, दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका, कोर्ट ने रामदेव से मांगा जवाब। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर, फिल्म रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग। सेंसर बोर्ड ने साफ किया कि इस फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट ही नहीं जारी किया गया, जबकि फिल्म को रिलीज करने के लिए मात्र 6 दिन बाकी रहे। पहले भेड़िया, फिर सियार और अब बाघ का आतंक जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की हुई मौत, वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई बंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 76 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का किया अनावरण। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुए। बात करें इस हफ्ते सोने चांदी के भाव की, तो सोना चांदी में रही तेजी। सोना 543 रुपए बढ़कर 71,958 रुपए पर पहुंचा, तो वही चांदी 85,019 रुपए प्रति किलो बिक रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार बाजी पलटने के लिए पूरा जोर लगा रही कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की होड़ में गुटबाजी से पार पा जाना आसान नहीं हो रहा। दरअसल सांसदों को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारने के पार्टी के रुख के बावजूद वरिष्ठ नेता व लोकसभा सदस्य कुमारी शैलजा द्वारा चुनाव लड़ने को लेकर दिए जा रहे बयान सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकारों के जरिए पार्टी हाईकमान ने साफ संदेश दिया है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व के इस रुख के बाद शैलजा के साथ ही राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला और लोकसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के विधानसभा में दावेदारी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। हालांकि नेताओं के साथ उनके समर्थकों को साधे रखने के लिए हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की रणनीति पर चलने का फैसला किया है। बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने यह बयान भी दिया कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा और ये भी जरूरी नहीं कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाए। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज पूरे 200 दिन हो गए हैं। वहीं इस मौके पर किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर विशेष रूप से इकट्ठा हुए, जहां इस आयोजन में ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट भी पहुंची। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान विनेश फोगाट ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्यादा गंभीर रुख अपनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने अधिकार हासिल करने के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। साथ में ये भी बता दें कि इस मौके पर किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, क्रांतिकारी गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने विनेश फोगाट का विशेष रूप से सम्मान भी किया। इसके अलावा बताते चले कि विनेश शंभू के बाद खनौरी संगरूर में आयोजित हो रहे किसानों के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर जुबानी हमला बोला है। दरअसल इस बार उन्होंने कहा कि उनके डूम रखा गांव में जाने से वीरेंद्र सिंह में घबराहट साफ दिख रही है और दुष्यंत चौटाला ने भाजपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपको बता दें कि जींद में भाजपा की रैली में अमित शाह के आगमन पर उन्होंने कहा कि चुनाव जनता को लड़ना है, मोदी आए या राहुल गांधी आए इससे फर्क नहीं पड़ता और जनता सब समझती है। बता दें दुष्यंत करसिंधु गांव में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे, तभी भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसान पर दिए गए बयान पर दुष्यंत ने तंज कसते हुए कहा कि इससे साफ पता चलता है कि भाजपा सांसद की किसानों के बारे में क्या सोच है। उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है और ये भाजपा की मानसिकता को दिखाता है। एक सांसद आज किसान वर्ग को किस तरीके से देख रही है, ये स्पष्ट हो चुका है।
भाजपा ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले चरण में जहां 50 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं, तो वहीं दूसरे दौर की प्रमुख नेताओं की बैठक में देर रात ही 15 और उम्मीदवारों के नाम पर भी सहमति बना ली गई है। बता दें बाकी बची 25 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां भाजपा की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रत्याशी तय किए जाएंगे। साथ में आपको ये भी बता दें इन सभी सीटों पर भाजपा के पास 2 से 3 दावेदार हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने स्वयं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए संकेत दे दिया है कि 2 से 4 सितंबर के बीच पार्टी की बड़ी बैठक होगी जिनमें नामों को अंतिम मंजूरी मिलेगी। बीजेपी के रणनीतिकारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि पार्टी प्रत्याशियों की सूची जल्दी जारी हो गई तो जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वे दूसरे दलों के साथ मिलकर भीतरघात कर सकते हैं। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से भाजपा की सूची जारी करने में देरी की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं कि वह हिसार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस तरह से मौजूदा मंत्री कमल गुप्ता के टिकट पर संकट बना हुआ है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात नवीन जिंदल से हुई थी। दरअसल सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। वह इस्पात, बिजली, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जिंदल ग्रुप की एमिरेट्स चेयरपर्सन है जिनका हिसार सीट से टिकट कंफर्म माना जा रहा है। वहीं बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी जिंदल की मुलाकात हो चुकी है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।